तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। यूपी में भी 1,40,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगनी है और आज पहला दिन है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। और लखनऊ के सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा का कवच अब 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को भी लगना आज से शुरू हो चुका है। वैक्सीन केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए, बच्चों से बातचीत भी करेंगे। और देखिए तस्वीरें लखनऊ के सिविल अस्पताल की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बच्चे केंद्र पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अपने हाथों से बच्चों को दे रहे हैं। तो पूरे देश भर में 10 करोड़ बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। यूपी में भी 1,40,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगनी है और सरकार का टारगेट है, लक्ष्य है कि 15 फरवरी तक सभी बच्चों को सुरक्षा का कवच प्रदान किया जाए, टीका लगाया जाए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक हैं। तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द और एग्जाम से पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए। और देखिए किस तरह से बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रही हैं वैक्सीन केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल की यह तस्वीरें हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं और जो बच्चे वैक्सीन केंद्र पर पहुंचे हुए देखिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार पूरे देश भर में 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा, सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा कोरोना से बचने के लिए उन्हें। और लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। शांति शांति। मित्रों जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें पहली जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर
2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12 करोड़ 84 लाख 94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं, 7 करोड़ 40 लाख 93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा, यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड 19 का, एक काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमॉर्बिड है उन लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदेश सरकार इस दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विभाग मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, वैक्सीन भी मौजूद है। हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं और हर प्रकार से प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सजग है, सतर्क है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में कोविड 19 के कुल वर्तमान में 2,261 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2,100 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी होम आइसोलेशन में इतने मामले होने का मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि जो वायरस है कमजोर पड़ चुका है, अब उसका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रखकर के नाइट कर्फ्यू लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए और अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया गया है।
वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध फ्री में उपलब्ध करवाई है, फ्री में वैक्सीन, और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। सर, नाइट कर्फ्यू पर अखिलेश यादव को कहना है कि उनका तो लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लिया, बच्चों के साथ में बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर। साथ ही साथ किस तरह से सरकार की तैयारियां हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन तैयारियों से भी रूबरू करवाया और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी वो ज्यादा घातक थी, ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, व्याप्त व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि किसी भी संक्रमण से किसी भी बीमारी से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। ओमिक्रॉन डेल्टा से कमजोर है यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, बेडों की व्यवस्था की गई है।